Even if you try, you understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar. Welcome to Sharda's World. Sharda ki duniya mein aapka swagat hai. Hello friends, welcome back to my channel. Kaise ho aap sab? I hope मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे. काफी दिनों के बाद आप सबसे बातें हो रही है. आप सब सोच रहे होंगे मैं कहाँ गायब हो गई. कायदे से तो मंडे को ब्लॉग जाना था, लेकिन आज है थर्सडे. इस वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तीनों दिन ब्लॉग नहीं गया है फ्रेंड्स. क्लिप तो मैंने सारे बना लिए थे. वीकेंड मोस्टली मंडे को वीकेंड का ब्लॉग जाता है मेरा, तो क्लिप तो सारा तैयार था, लेकिन तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब हो गई थी तो मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पाई थी. वैसे तो आज थर्सडे है, लेकिन ब्लॉग फ्रेंड्स वीकेंड का ही जाने वाला है और मैं बनाने लगी हूँ लंच. और लंच में बन रहा है थाई रेड करी और साथ में एक मैं बिहारी स्टाइल बैंगन आलू और अदौरी की सब्जी बनाऊंगी, भाटा अदौरी. जैसा कि सांभवी घर में आई हुई है तो मेरे घर में बच्चों को और दिनेश जी को थाई करी बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैंने थाई करी बनाया है जिसकी रेसिपी मैंने आप सबसे शेयर नहीं की है, कई बार कर चुकी हूँ और अभी तक आप सब उसका शॉर्ट्स भी देख चुके होंगे. तो आज मैं आप सबसे भाटा अदौरी, आलू बैंगन मूली अदौरी, अदौरी मीन्स उड़द दाल की बड़ी, की सब्जी मैं शेयर करूंगी. मेरा बहुत ही फेवरेट है फ्रेंड. और दो तीन दिन से जो तबीयत खराब था ना, तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था. तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबको एक बिहारी स्टाइल सब्जी की रेसिपी शेयर करती हूँ जो हमारे यहाँ विंटर में बहुत खाए जाते हैं. कढ़ाही में मैंने सरसों का तेल ले लिया है और तेल जब गर्म हो गया तो उड़द दाल की बड़ी ऐड कर दिए. बड़ी को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है. और फ्रेंड्स, कई बार आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ, ये बड़ी अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है. आप चाहे तो मार्केट में जो छोटे छोटे प्लेन वाली मूंग दाल की बड़ी मिलती है उसके साथ भी बना सकते हैं. फिर बचे हुए तेल में एक चम्मच मेथी, थोड़े से हींग का मैंने तड़का ऐड कर दिया और ये देखिए 3 आलू मैंने ऐड कर दिए हैं मीडियम साइज के. आप अपने अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आलू और बैंगन ऐड कर सकते हो. यहाँ पर मैंने 3 आलू ऐड कर दिए हैं, 2 मीडियम साइज के गोल वाले बैंगन और 1 बड़ा सा मूली. नमक और हल्दी ऐड करके आलू बैंगन और मूली के पूरी तरह से पकने तक सब्जी को ढक के पका लेना है. हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पर बैंगन को भाटा बोलते हैं, तो ये सब्जी बहुत फेमस है, भाटा अदौरी. यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून पीला सरसों, 1 चम्मच छोटा चम्मच जीरा और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च ले लिए हैं. इसका पेस्ट बना लेना है. और सब्जी जब पक गया तो इसमें 3 मीडियम साइज के टमाटर मैंने ऐड कर दिए. टमाटर ऐड करने के बाद फिर मैंने जो मसाला पेस्ट बनाया था सरसों जीरा और सूखी लाल मिर्च का, उसको ऐड कर देना है और टमाटर के बिल्कुल सॉफ्ट होने तक मसाला को अच्छी तरह से पका लेना है, भून लेना है, सब्जी को पकाना है. थोड़ा सा मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिए हैं जो कि ऑप्शनल है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सूखी लाल मिर्च ऐड कर रखा है मसाला पेस्ट में. काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से सब्जी में एक अच्छा सा कलर आएगा. मसाला जब अच्छी तरह से भून जाएगा फिर बड़ी जो फ्राई करके रखे हैं उसको ऐड कर देना है. ग्रेवी ऐड करेंगे और थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी हम इसमें ऐड कर देंगे. धनिया पत्ता ऐड करने के बाद सब्जी को 7 से 8 मिनट तक स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेना है. धनिया पत्ता के साथ मैंने 4 से 5 हरी मिर्च भी ऐड किए थे जो कि अगेन ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं. और सब्जी जब पूरी तरह से पक जाएगा इसमें जो बड़ी मैंने ऐड किए हैं वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे. तो लास्ट में इसमें 1/2 नींबू का जूस ऐड करना है और थोड़ा सा फिर से मैं कोरिएंडर लीव्स ऐड करूंगी. अभी जैसा कि विंटर आने वाला है और मार्केट में फ्रेश फ्रेश मूली मिलेंगे और बैंगन भी बहुत अच्छा वाला मिलता है, सॉफ्ट वाला, फ्रेश फ्रेश धनिया है मार्केट में, तो इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना फ्रेंड्स. और राइस के साथ ये रेसिपी खाने में बहुत ही मजे की लगती है. हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का तो ये बहुत ही फेमस रेसिपी है और विंटर में मेरे ख्याल से हर घर में वीक में 1 या 2 बार तो बन ही जाता है. तो मुझे तो बहुत ही पसंद है ये सब्जी, तो आज मैंने अपना फेवरेट भी बनाया है और बच्चों का फेवरेट भी, थाई रेड करी. लंच के बाद हम लोग आ गए हैं सांभवी सास्वती का हेयर कट करवाने. एक्चुअली में तकरीबन 1 साल हो चुके हैं दोनों ने हेयर कट नहीं करवाया था और परसों सांभवी वापस भी जा रही है, तो मैंने सोचा चलो ये काम पहले निपटा लेते हैं. और सांभवी को एक जींस भी लेना था, अगर सांभवी लेगी तो सास्वती भी मस्ट लेगी. तो दोनों का हेयर कट करवाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे लिवाइस के शॉप में और यहाँ पर
जैसा कि पहले होता है, एक जींस के बदले में दोनों को दो जींस पसंद आ गए थे, तो दोनों ने दो जींस लिए थे और साथ में, और सोच के तो सिर्फ जींस जींस का ही गई थी, लेकिन वहां जाके दोनों को एक टॉप्स भी पसंद आ गया, तो दोनों ने बिल्कुल सेम एक जैसा ही टॉप्स ही लिए थे। वैसे भी मोस्टली दोनों को तकरीबन एक जैसे ही कपड़े पसंद आते हैं, तो एक जैसे ही कपड़े लेते हैं, बस थोड़ा बहुत कलर का डिफरेंस होता है। और यहाँ से फिर गई थी फुटवियर के शॉप पे, वहाँ दोनों को एक एक, ये देखिए सैंडल लेना था, तो आज भी दोनों ने जम के शॉपिंग की, पापा की जेब खाली कर दी। Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. और ये किस किस को पसंद है कमेंट में जरूर बताना, मेरे घर में तो हम सबका बहुत ही फेवरेट है। Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Good morning friends, और बहुत दिन के बाद, तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद फिर से अपने पुराने रूटीन पे वापस आई हूँ। सुबह सुबह मैं और दिनेश जी वॉक पे निकले हैं। मौसम बहुत ही मजेदार सा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कुहासा छाया हुआ है, लग रहा है जैसे प्रॉपर विंटर आ गया है। तो मैंने पैन में ऑलिव ऑयल ले लिया है और एक बड़ा सा प्याज मैं इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिए हैं, दो मोटी वाली हरी मिर्च को भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिए हैं, ऐड कर देना है। और जस्ट हाफ मिनट के लिए प्याज और हरी मिर्च को मैं सौटे कर लूंगी, फिर इसमें जुकीनी ऐड करना है। मैंने यहाँ पर एक छोटा साइज का पीला जुकीनी और एक छोटा साइज का हरा जुकीनी लिया है, दोनों को पतले पतले स्लाइस में कट कर लिए हैं। एक चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ा सा 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून केवन पेपर और भर के 1.5 टीस्पून फेरी फेरी मसाला। सब्जी को पूरी तरह से पकने तक पका लेना है। जब तक वेजिटेबल्स स्टर फ्राई होंगे तब तक मैं एक डिप तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सलाद का पत्ता बारीक कट करके लिए हैं, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कट करके और थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी बारीक कट करके ले लिए हैं। इसमें 4 टेबल स्पून में हंग कर्ड ऐड कर दूंगी। मैं बहुत ही मजेदार सा यम्मी सा एक हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट आइडिया आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मैं बनाने लगी हूँ फेरी फेरी पनीर बर्गर। तो जैसा कि मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडिया आप सबसे शेयर कर रही हूँ, तो डिप भी बहुत ही हेल्दी होने वाला है। इसमें मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं और 1.5 टीस्पून मेपल सिरप, आप चाहें तो हनी भी ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। डिप बिल्कुल डन है। यहाँ पर पनीर को मैं मैरिनेट करूँगी। तो ये देखिए स्क्वायर शेप में पनीर को मैंने कट कर लिए हैं, उसके ऊपर नमक, केवन पेपर, थोड़ा सा फिरी फिरी मसाला, इन सभी चीज़ों को ऐड कर देना है। थोड़ा सा आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से इसको मैरिनेट कर लेना है। पनीर को मैरिनेट करने के बाद पनीर को ग्रिल कर लेना है। आप चाहें तो ग्रिल पैन जो आता है उस पर कर सकते हैं। मैंने तवा पे ही पनीर को सेक लिया था। ये देखिए थोड़े से ऑलिव ऑयल में पनीर को मैं सेक लूँगी। पनीर पे दोनों साइड से एक अच्छा सा कलर आने तक अच्छी तरह से सेक लेना है और फिर बर्गर को हम असेंबल कर लेंगे। तो बर्गर को भी मैं सेक लेती हूँ। तो बर्गर के ऊपर सबसे पहले हम सैलेड लीव्स को रखेंगे। ये देखिए इस तरह से तोड़ के सैलेड लीव्स को एडजस्ट कर देंगे और सैलेड लीव्स को एडजस्ट करने के बाद फिर इसके ऊपर जाएगा मैंने जो जुकीनी को स्टर फ्राई किया था वो, तो उसको एडजस्ट करने के बाद फिर पनीर को जो ग्रिल किया था पनीर को इसके ऊपर रख देना है और थोड़ा सा मैंने जो डिप तैयार किया था उसको, थोड़ा सा डिप मैं बर्गर के अपोजिट साइड पर भी लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। और फिर इसके ऊपर मैं रखूंगी चीज़ स्लाइस। चीज़ स्लाइस बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर बर्गर को आप ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हो तो चीज़ स्लाइस को स्किप कर सकते हो और सैलेड रख सकते हो। लेकिन चीज़ बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, तो मैंने बच्चों के बर्गर में चीज़ स्लाइस रखे थे और अपना और दिनेश जी का बर्गर मैंने विदाउट चीज़ स्लाइस के बनाए थे। तो ये देखिए इस तरह से बर्गर बन तैयार कर लेना है और इसको तवा पे थोड़ी देर के लिए सेक लेंगे जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता।
और फिर बर्गर सर्व करने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, ये मैं अपना और दिनेश जी का बर्गर असेंबल कर रही हूँ। मैंने चीज स्लाइस नहीं रखे थे, खूब सारा टमाटर रखे थे। आज मेरे पास खीरा नहीं था, नहीं तो आप खीरा जरूर रखना। और मोस्टली वैसे तो हम लोग फ्रूट जूस नहीं लेते हैं, होल फ्रूट ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब भी हम सैंडविच या बर्गर बनाते हैं तो जूस जरूर रखते हैं, ज्यादातर तरबूज का। तो ये है आज की हम सबकी नाश्ते की थाली। नाश्ता करने के बाद रोज के वही जो रूटीन के काम होते हैं वो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला काम किया है मशीन लगाने का, मशीन मैंने लगा दिया है। और कल का जो कपड़ा डला हुआ था ये देखिए सब समेट लिया है। अब इसको तह लगा के रख दूंगी और जब कपड़े धुल जाएंगे तो उसको फिर सूखने के लिए डालूंगी। उसके बाद थोड़ा सा डस्टिंग का काम है तो वो करूंगी, तब तक सिखा जाएगी, फिर सिखा सारे काम करेंगी, फिर लंच। तो यही आज का रूटीन है। आज मुझे एक जगह जाना है, वो आगे शेयर करूंगी। मेरी एक बहुत ही खास रिलेटिव है, वो हॉस्पिटलाइज है मैक्स में, तो हो सकता है लंच के बाद में वहाँ जाऊँ। देखती हूँ आज आ पाती हूँ या कल, जैसा जो करूंगी आप सबसे तो शेयर करूंगी ही फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर थोड़ा भी मेरी रेसिपीज या ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर लेना। बाय।